तो आज हम लोग मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जो है हमारा सर्कल। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस सेट 3.1 आज हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.1 को हम लोग आज ख़त्म कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कल क्या होती है। तो देखो, हमें पता है कि हम लोग अपने राउंडर की मदद से, जो ज्योमेट्री बॉक्स में हमें दिया रहता है उसकी मदद से, हम लोग क्या करते हैं, तो एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो एक पूरा सर्कल बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और हमें पता है क्या, एक सेकेंड, कि अगर आपने सर्कल में कहीं एक जगह पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को सर्कल की एज से अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपको क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। ठीक है, और ऐसे कितने रेडियस आप बना सकते हो, तो इन्फिनिटी। मैं बहुत सारे रेडियस बना सकती हूँ ना उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। देखो, इस तरह से बहुत सारे रेडियस बनेंगे। तो जब बहुत सारे, मतलब प्लूरल फॉर्म में, रेडियस का क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है रेड आई। ठीक है, क्या होता है वो, रेड आई। और जब एक रेडियस रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ रेडियस, और बहुत सारे होते हैं तो रेड आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये है हमारा रेडियस। और जब इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा रेड आई। ठीक है, ये बेसिक बात है। अब देखो, ये हमारा क्या कहलाता है, तो देखो ये एक रेडियस है, हाफ रेडियस ये, और ये एक दूसरा रेडियस। ठीक है, तो जब सेंटर के बीचों बीच, सर्कल का एक सेंटर होता है और उस सेंटर के बीचों बीच आप क्या करते हो, तो एक लाइन पास करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर। अब देखो, डायामीटर क्या होता है, एक तो ये रेडियस और ये रेडियस, दो रेडियस को मिला के क्या बन रहा है, तो एक पूरा डायामीटर बन रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डायामीटर इज इक्वल्स टू 2R। क्यों, क्योंकि दो रेडियस को मिला के क्या बन रहा है, तो एक पूरा डायामीटर बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रेडियस भी देखा, कि सेंटर से सर्कल की एज तक अगर आप लाइन बनाते हो तो वो क्या कहलाता है, रेडियस। उस सेंटर पॉइंट से हम बहुत सारे ऐसे रेडियस क्रिएट कर सकते हैं। तो जब इन्फिनिटिव रेडियस होते हैं तो वो रेडियस नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, रेड आई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मान लो कि सेंटर से पास कर रहे हैं एक लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायामीटर। तो डायामीटर कहाँ से पास करता है, सर्कल की सेंटर से, बीचों बीच पास करता है, और सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो दो इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ रेडियस, दो रेडियस मिला के एक डायामीटर बनता है। ये बेसिक बात है जो हम लोग अपने 7th-8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब एक नया चीज़ क्या हमें पता करना है, तो कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, एक तरह से देखो, कॉर्ड भी एक तरह से डायमीटर ही होता है, बट कॉर्ड का क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर के बीचों बीच से ही गुजरे। यहाँ पे सर्कल की एज पर, एज मतलब देखो, ये जो सर्कल का हिस्सा होता है ना, बाउंड्री, इसको आप क्या कहोगे, सर्कल का एज। तो सर्कल की एज पे कहीं पे भी दो पॉइंट अगर आप लो और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड भी एक तरह का डायमीटर ही होता है। और सर्कल के अंदर आप इन्फिनिटिव कॉर्ड बना सकते हो। देखो, यहाँ से भी एक कॉर्ड बन सकता है, इस तरह से यहाँ से भी कॉर्ड बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, और अगर मैं कहूँ तो इस तरह से बहुत सारे कॉर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, तो कॉर्ड क्या कहलाता है, कि सर्कल की एज पे कहीं पे भी आप दो पॉइंट लो और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो कॉर्ड कहलाता है। ठीक, अब देखो, एक नया कॉन्सेप्ट जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वो क्या है, कि जब सर्कल को एक लाइन क्या कर रहा है, सर्कल के बीच से लाइन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एक लाइन सर्कल के बीचों बीच पास करे या कहीं से भी पास करे, मान लो ये लाइन अगर मैं कहूँ यहाँ से भी पास कर दिया, या ये लाइन इस तरह से पास कर दिया,
तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है हमारा सीकेंट। इसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट। और सीकेंट भी क्या करता है, सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखो इधर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन क्या होता है, तो सर्कल के आउटर हिस्से से होते हुए वो गुजरता है। ठीक है, हम लोग बाहर से ये लाइन, एक लाइन पास कर रहे हैं सर्कल के बीचों बीच से या कहीं से भी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सीकेंट। और सीकेंट क्या करता है, सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद हमें क्या देखना है, टेंजेंट। ये हमारा क्या कहलाता है, तो टेंजेंट। अब देखो, अगर आप सर्कल की एज पे, एज मतलब सर्कल की इस बाउंड्री पे, ये जो हमारा बाउंड्री है इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट से कितने लाइंस को आप पास करवा सकते हो, तो उस पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास होती है, जो हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंट। ठीक है, अब देखो, मान लो कि मेरा ये वाला जो लाइन है, अगर ये मैं बोल दूँ कि इस तरह से हो रहा है, तो क्या ये हमारा टेंजेंट हुआ, क्या मैं इसको टेंजेंट बोल सकती हूँ, तो नहीं, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हो गया सीकेंट। ठीक है, सीकेंट हो गया ना, एक पूरी लाइन सर्कल के बीचों बीच से पास कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट। लेकिन वही अगर ये लाइन सर्कल की एज पे है, ठीक है, देखो इधर अगर इस तरह से है, तो अब ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। और ये सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक ही किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे, अगर एक पॉइंट में ले लूँ, तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट क्रिएट हो सकता है। अब इस तरह से कितने टेंजेंट आप सर्कल पे बना सकते हो, तो बहुत सारे बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सर्कल की एज पे, और उससे एक लाइन गुजार दिया, ठीक है, तो एक ही लाइन जा रही है। या यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया और एक लाइन वहाँ से पास कर दिया, तो एक ही लाइन पास हो रही है ना। अब आप सोच रहे होगे कि इस तरह से भी लाइन पास हो सकती है, तो अब ये टेंजेंट रही क्या, ये तो हमारी सीकेंट हो गई। तो टेंजेंट कहाँ से पास होती है, तो ये टेंजेंट जो है वो सर्कल के आउटर एरिया से ही पास होती है। बस वो सर्कल को क्या होती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो टेंजेंट, फिर सीकेंट, कॉर्ड, डायामीटर और रेडियस, ये सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। रेडियस ये तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, डायामीटर भी हमें पता ही है, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के किसी भी एज पे दो पॉइंट ले लो और उसको जॉइन कर दो, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। सीकेंट क्या होता है, एक सर्कल के बीचों बीच से एक पूरी लाइन जब पास करती है और वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीकेंट। और टेंजेंट क्या होता है, सर्कल की एज पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो, ठीक है, अंदर नहीं है, ये मैं सोचना कि अंदर पॉइंट ले लूँ और वहाँ से बीचों बीच एक लाइन पास करूँ तो वो हमारा टेंजेंट कहलाएगा, तो नहीं, ये टेंजेंट नहीं है। आपको क्या करना है, सर्कल की एज पे एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से एक लाइन को पास करवाना है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी क्या है आप लोग की। अब हम देखते हैं कि टेंजेंट थ्योरम क्या होता है। ठीक है, पहले टेंजेंट थ्योरम समझते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, टेंजेंट का मतलब हमने क्या कहा कि सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट ले लो और उससे एक लाइन पास करवा दो, वो हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंट। अब हमें ये भी पता है कि सर्कल के अंदर भी एक पॉइंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर उस सेंटर से आप एक रेडियस ड्रॉ करते हो, ठीक है, जैसे देखो मान लो ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक, और इस सेंटर से मैं टेंजेंट की उस पॉइंट पे एक रेडियस ड्रॉ करती हूँ, तो ये रेडियस जो है वो टेंजेंट को क्या हो गया, तो ये होता है टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो जाता है। कौन, तो रेडियस टेंजेंट को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब इस रेडियस का मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है वो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो मेरा रेडियस होता है, तो क्या ये रेडियस इसको परपेंडिकुलर है, तो
रेडियस जो है वो क्या होता है, टेंजेंट को परपेंडिक्युलर होता है। तो हमारा जो थियरम है वो क्या कहता है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस। तो क्या है थियरम, टेंजेंट थियरम हमारा क्या है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस। अब अगर ये टेंजेंट मैं यहाँ ना बना के, मान लो मैं इसी सर्कल में बताती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एनी पॉइंट ऑन द सर्कल और वहाँ से मैंने एक टेंजेंट बनाया, ठीक ये टेंजेंट है, और यहाँ से एक रेडियस निकल रही है जो इस पॉइंट को टच कर रही है, तो क्या ये रेडियस टेंजेंट को परपेंडिक्युलर है? तो बिल्कुल है, ये 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि टेंजेंट जो है वो क्या है, परपेंडिक्युलर है किसके, तो टेंजेंट इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस। यही हमारा क्या होता है, टेंजेंट थियरम, ठीक है। तो देखो टेंजेंट थियरम हमारा क्या कहता है कि इफ लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, लाइन एल जो है वो सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है, देन लाइन एल इज परपेंडिक्युलर टू रेडियस ए बी। हम बोल सकते हैं ए बी इज परपेंडिक्युलर टू लाइन एल या लाइन एल इज परपेंडिक्युलर टू ए बी। तो ये क्या है हमारा, टेंजेंट थियरम हमें दिया है कि लाइन एल जो है वो टेंजेंट है सर्कल के लिए। तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो रेडियस है वो परपेंडिक्युलर है हमारे टेंजेंट पे। अब इसका जो कन्वर्स होगा, उल्टा होगा, तो वो हमको क्या दिया रहेगा, हमें ये दिया रहेगा और आपको ये प्रूफ करना है। आपको कहेगा कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिक्युलर है, तो प्रूफ करो कि लाइन एल जो है वो क्या है, टेंजेंट है सर्कल का। तो देखो कन्वर्स में हमें क्या दिया है कि लाइन एम, जो लाइन एम ही वो परपेंडिक्युलर है रेडियस पे। अगर वो परपेंडिक्युलर है तो जो एम है, जो लाइन एम है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो टेंजेंट और कन्वर्स में क्या है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टेंजेंट में बस हमको ये बोला है कि लाइन एल जो है वो टेंजेंट है। यह हमको बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि लाइन एल टेंजेंट है, तो प्रूफ करो कि रेडियस जो है वो लाइन एल पे परपेंडिक्युलर है। तो इसका कन्वर्स क्या दिया रहेगा कि जो लाइन एम है वो परपेंडिक्युलर है रेडियस से। अब आप प्रूफ करो कि लाइन एम जो है वो क्या है, तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। तो ये थियरम बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार और समझते हैं ब्रीफली शॉर्ट में कि टेंजेंट थियरम क्या है, कि हमें ये कहेगा कि लाइन एल है, यहाँ पे लाइन एल ही नहीं रहेगा, कुछ भी लाइन रह सकता है, कि लाइन एल जो है वो क्या है, तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। देन प्रूव दैट कि ए बी इज द रेडियस परपेंडिक्युलर टू टेंजेंट एल। वही कन्वर्स में क्या बोलेगा कि ए बी जो है वो रेडियस है, परपेंडिक्युलर है लाइन एम पे, तो प्रूफ करो कि लाइन एम जो है वो क्या है, हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो ये दोनों जो थियरम है समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्या है ना, हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट थियरम से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी, तो ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर क्या है, सी, और रेडियस है, ठीक है। रेडियस के बारे में दिया है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, लाइन ए बी क्या है, टेंजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, ठीक है, एंड वाई। तो यहाँ पे अभी हमने जस्ट जो थियरम समझा, तो हमें क्या दे दिया है, सी ए क्या है, रेडियस है, और ए बी हमारा क्या है, तो टेंजेंट है। तो सी ए बी का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट थियरम से, ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं। फिर दूसरा क्या दिया है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, तो पॉइंट सी का डिस्टेंस लाइन ए बी से कितना होगा। तो सी ए का डिस्टेंस हमको पता करना है, मतलब रेडियस पता करना, और सी ए हमको दिया हुआ है क्या, 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या दिया है हमारा, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज हाउ मच, तो 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है,
फिर उसके बाद दिया है डिस्टेंस ऑफ ए बी, जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो इसका डिस्टेंस हमें पता करना है। तो अब इसमें देखो, ये मैं बस रफली अभी बता रही हूँ, सी ए का हमको पता है कितना है 6, ए बी का भी हमको पता है कितना है 6, हमको क्या फाइंड करना है बी सी का डिस्टेंस। तो हमें पता है कि सी ए बी कितना है 90 डिग्री है। कैसे? तो टेंजेंट थ्योरम से हमने अभी पता किया कि सी ए बी का जो एंगल है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा हो जाएगा, बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, एंगल सी ए बी में एंगल ए क्या है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ए हमारा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करोगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए प्लस ए बी स्क्वायर होगा। तो सी ए हमें पता है 6 है और ए बी भी हमें पता क्या है 6 है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 स्क्वायर, 2 पता है ना कैसे आए, ये 1 और ये 1 2 है, सिमिलर है, तो 2 टाइम्स 6 स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे आप तो कैसे मिलेगा, अंडर रूट में 2 इंटू 6 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से एक अंडर रूट कट गया तो बाहर क्या आएगा 6 आएगा और अंडर रूट में 2 बचेगा। तो बी सी की वैल्यू हमको क्या मिल गई 6√2। अब लास्ट हमसे क्या पूछा है, वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी वाई। तो देखो, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी पूछा है, मतलब क्या एंगल बी का मेजरमेंट कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, ये वाला साइड जो है वो कितना है 6 है, ये वाला साइड भी क्या है 6 है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हमारा हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट का जो एंगल होता है वो भी क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तो सी ए के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल बी, ठीक है। तो सी ए कितना है 6 और ए बी कितना है 6। अगर मान लो कि इसको आप मान लो, कैसे मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा साइड में बनाती हूँ, ये ए है बी है सी है, ए हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब मान लो कि एंगल सी जो है वो एक्स है और एंगल बी को भी मान लो एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं क्या, ए ए लिखने की जगह लिख दो 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो 90 + 2x इज इक्वल्स टू 180, 90 को उधर भेजो तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो ये कितना बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 90, एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 45। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने, बहुत इजी था, फर्स्ट वाला हमने प्रूफ कर दिया एंगल सी ए बी, एंगल ए 90 डिग्री कैसे है तो टेंजेंट थ्योरम से। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ सी बोला हमें तो वो तो हमको दिया हुआ है था रेडियस। फिर उसके बाद बी सी कैसे फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। और लास्ट में हमें बोला है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, तो वो भी हमने अभी जस्ट पता किया यहाँ पे, तो कितना आया हमारा 45 डिग्री, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, रफ में हमने समझ लिया, अब इसको फेयर में करके देखते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। तो देखो, फेयर में अगर आप लिखोगे तो किस तरह से, गिवन क्या है हमें, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ सी ए बी, मेजर एंगल ऑफ सी ए बी इज 90 डिग्री, हाउ, तो बाय टेंजेंट थियोरम। तो ये हमारा फर्स्ट का है। सेकेंड वाले में हमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी पूछा है, तो वो क्या है 6 सेंटीमीटर क्यू, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये भी क्या है गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन, ठीक है। फिर थर्ड हमारा क्या दिया था, तो
हमें पूछा था कि डिस्टेंस ऑफ बी सी हमको फाइंड करना है, तो हमें पता है कि जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थियरम यूज़ कर सकते हैं, और सी ए और ए बी की वैल्यू तो हमारे क्वेश्चन में ही हमको दी हुई है, तो वो हमें पता है। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थियरम यूज़ करेंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्स स्क्वायर दोनों दिया हुआ है, दोनों क्या है सेम है, नंबर सेम है, 16 स्क्वायर 16 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 2 टाइम्स 6 स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को अगर स्क्वायर रूट आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6√2। तो ये किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो बी सी हमको कितना मिल गया, 6√2। फिर हमें लास्ट में क्या पूछा है, हमें बोला है कि एंगल ए बी सी का, मतलब एंगल बी का हमें पता करना है कि एंगल क्या है, मेजर क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल्स टू सी ए दोनों कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये भी पता है कि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी के अपोजिट में कौन सा है, एंगल सी, और सी ए के अपोजिट में कौन सा है, एंगल बी। तो जब साइड्स इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। अगर ऐसे नहीं पता करना है तो जैसे मैंने बोला कि ट्राइंगल हमारा था तो बी को एक्स मानो सी को एक्स मानो, और यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करके फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारा एंगल ए बी सी कितना है, तो 45 डिग्री, ठीक है। ये क्या था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हमने देखा कैसे करना है इसको, तो थोड़ा थोड़ा करके देख लो, काफ़ी लेंदी हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टी से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, तो ये भी हमारे टेंजेंट थियोरी पे ही बेस्ड है, इसलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ हमें क्या बोला है, जैसे अगर रफली समझो तो एक सर्कल है, ठीक है, और हमारे पास टू टेंजेंट्स है, वो क्या है, आपस में पैरेलल है। या तो ये टेंजेंट ऐसे भी हो सकते हैं या इस तरह से भी हो सकते हैं, ये अंदर जा रहा है, एक सेकेंड, ये टेंजेंट इस तरह से भी पैरेलल हो सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, या इस तरह से भी, ये रफली है, ठीक है, सही बन नहीं रहा है। तो हमारा क्वेश्चन हमें ऐसे ही दिया है कि ये एक सर्कल है, अब अच्छे से बनेगा, और टेंजेंट्स जो हैं वो क्या है, पैरेलल है हमारे सर्कल को, और एक सेंटर है हमारे पास। तो सेंटर से जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है हमको, तो ये हमारे पास 4.5, और हमें क्या पता करना है, ये जो दोनों टेंजेंट है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं इस रेडियस को पूरा जॉइन कर दूं, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक डायमीटर बन रहा है। तो अगर इसका हमको डिस्टेंस पता चल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंट का भी डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक नाम दे देते हैं, मान लो हमारा जो सेंटर है वो ओ है, टेंजेंट पी, टी, क्यू, आर, ठीक है। तो अब देखो, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी समझी थी, कौन सी, तो इंटीरियर एंगल वाली। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो 180 डिग्री होती है, जो सी शेप बनाती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, फिर अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, एक और हमने पढ़ा होगा किसके बारे में, तो इंटीरियर एंगल्स के बारे में। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो इस तरह से जब सी शेप बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का ये जो एंगल होता है ना इंटीरियर में, ये जो सी शेप बन रहा है, तो इसके अंदर का ये जो इंटीरियर एंगल है इसका सम करोगे तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है ये क्या है, तो इन दोनों लाइन का, पैरेलल लाइन का ये ट्रांसवर्सल है,
इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पी टी इज पैरेलल टू क्यू आर, और पी क्यू क्या है तो ट्रांसवर्सल है, तब जाके ये एक सी शेप बन रहा है जिसमें हमारा इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, एक स्ट्रेट लाइन है। ट्रांसवर्सल तो एक स्ट्रेट लाइन ही से बनता है ना। अगर आप सोचोगे कि ऐसा कुछ है और इसके बीचों बीच से ये पैरेलल लाइन गुजर रहा है तो क्या ये ट्रांसवर्सल है? नहीं, ट्रांसवर्सल हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हमें दे दिया है कि ओ क्यू जो है वो हमारा रेडियस है, तो रेडियस है तो ये है 4.5। तो ओ पी का भी वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं कैसे, तो पी क्यू जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, या इसको बोल सकते हैं कि ये जो है वो हमारा डायमीटर है ऑफ दिस सर्कल। पी क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो अगर हमारे पास हाफ दैट इज़ रेडियस का है तो डायमीटर हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे ठीक है तो कितना होता है, 9 हो जाएगा। लेकिन आप ऐड तो करोगे नहीं, डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 into r। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 4.5, तो ये भी उतना ही देगा, कितना तो 9 centimeter। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बस यही करना था कि जो हमारा C है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, लाइन PT पर पैरेलल है किसके, लाइन QR के। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे टेंजेंट है, हमारे सर्कल के दिए हुए टेंजेंट है। फिर हमें पता है कि TPO और OQR ये क्या हो गए, दोनों 180 डिग्री है। दोनों को जब आप ऐड करोगे, इंटीरियर एंगल्स को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सेम साइड ही है ना ये, ठीक है, सेम साइड्स आर ऑलवेज व्हाट, तो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो हमें पता है कि पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें पी क्यू हमारा बन गया डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, 2 into r। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4.5, तो डायमीटर की वैल्यू भी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको फेयर में। तो देखो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। फिर हमें गिवन क्या है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। लाइन पी टी एंड लाइन क्यू आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। ठीक है, ऑल्सो एंगल ओ पी टी क्या है, तो एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू आर दोनों क्या हो गए, 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, इस हिसाब से पी क्यू जो होता है वो क्या हो जाएगा, पी टी और क्यू आर का ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, ट्रांसवर्सल है इसीलिए स्ट्रेट लाइन होगा ना। देखो इधर, पी ओ क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है इसीलिए ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ट्रांसवर्सल हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होते हैं। देयर फोर पी क्यू इज़ अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। पी ओ क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू क्या है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब डायामीटर बराबर क्या होता है, 2 into रेडियस। डायामीटर इज इक्वल्स टू डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 into रेडियस, और रेडियस की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 4.5। तो 4.5 में जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 2 हो जाएगा 10, 4 2 8 प्लस 1 9, और 0.1 के बाद है तो इधर कहाँ से आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 9। तो फिर क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल इज 9 centimeter। ठीक है, तो इसमें बस ये इतना ही करना था। देख लो इसको एक बार अच्छे से।
तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.1 में दो क्वेश्चंस देखे, कौन से, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जो बेस्ड थे किस पे, टेंजेंट थ्योरम पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी का जो दो क्वेश्चन बचा है 2 एंड 3, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे, उसके बाद दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस दो ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।